वेलकम बैक टू रोशना एज वेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग वन वेबसाइट जहाँ पे आप यू नो स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करके जो है अर्न कर सकते हैं इनकम, एक डिसेंट इनकम। सो द डाउट्स कैन बी रिलेटेड टू देयर यू नो असेसमेंट से रिलेटेड हो सकता है, उनके होमवर्क से रिलेटेड हो सकता है, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, तो डाउट्स हो सकते हैं। सो वो डाउट्स को आपको क्लियर करने हैं एंड देन वी विल बी यू नो गेट पेड। सो किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से आपको अप्लाई रजिस्टर करना है, यहाँ पे आपको क्या क्या यू नो जो है रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे, किस तरीके से पेमेंट मिलेगी, सारी चीजें जो भी आपके डाउट्स से कॉमन डाउट्स होते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। वेबसाइट का जो नाम है वो है स्टडी गेट, ठीक है, स्टडी गेट से के थ्रू हम लोग यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग कि आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी चीजें जो अप्लाई वगैरह वो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। सो एलिजिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबका क्वेश्चन ये होता है एलिजिबिलिटी क्या है। सो एलिजिबिलिटी हियर इज एज सच कोई इनका क्राइटेरिया नहीं है दैट यू हैव टू बी पोस्ट ग्रेजुएट और यू हैव टू बी यू नो ग्रेजुएट ऐसा करके। यू हैव टू बी वेरी यू नो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आपको मतलब अपने सब्जेक्ट में जो भी आप पढ़ाएंगे दैट शुड बी अ वेरी यू नो स्ट्रांग, वो आपका स्ट्रांग हुआ तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट एंड गो फॉर इट, ठीक है। सो एज सच इनका क्राइटेरिया नहीं है, इनके वेबसाइट में मैंशन है एंड आप नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन परस्यू भी कर रहे हैं सो यू कैन गो फॉर इट। देन द सेकेंड पॉइंट इज यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेशन या कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए एज अ ट्यूटर या जो भी है, नहीं। सो हियर यू डोंट नीड any such kind of you know this experience या certifications, but yes अगर experience है तो that is well and good, एक आपका positive plus point हो जाता है, you know preference बढ़ जाती है, but yes कोई as such इनका criteria नहीं है that you have to be you know certified in this kind of you know कि कोई certification होना चाहिए। सो अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे यू नो चूज कर सकते हैं एज अ डाउट क्लियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। सो बेसिकली इन्होंने 5 सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है कैटेगरीज में, 1 इज मैथ्स, साइंस, बिजनेस, आपका ह्यूमैनिटीज एंड प्रोग्रामिंग। सो इनके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। सो मैथ्स के अंदर आता है इनका स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, यू नो बहुत सारी चीजें और हैं। बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टडीज है और भी बहुत सारी चीजें, मैं लिस्ट दिखा दूंगी। सो दिस इज सो अब मल्टीपल अगर यू नो सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं यहाँ पे यू नो डाउट्स क्लियर करने के लिए, ऐसा नहीं है एक ही कर सकते, बट येस यू कैन चूज मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है, सो लेट्स गेट टू दी वेबसाइट, किस तरीके से अप्लाई करना मैं वहीं पे आपको शो करूंगी। सो गाइस हम आ गए हैं स्टडीगेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे इनके जो है सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली 5, तो इसके अंदर भी काफी सारे सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना इनके, तो अगर मैथ्स है तो आप फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल होंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिक्स है, लॉजिक है, प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे कैलकुलस वगैरह सब कुछ है। सो दिस वॉज जस्ट अ आइडिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है बिकम अ ट्यूटर का ऑप्शन। जैसे आप बिकम अ ट्यूटर पे क्लिक करते हैं नाउ यू कैन स्टार्ट यू नो, यहाँ पे एक बार आप पढ़ लीजिएगा वेबसाइट के बारे में कितने टाइम से है, 2014 से ये जो वेबसाइट है ये इन मतलब स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये FAQs हैं, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, बट यस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट होगा, तो मुझे तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल गए थे भाई कि मतलब क्या क्या चीजें ये सारे ही पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे मिल गए, बट स्टिल कोई डाउट होता है तो टू आस्क मी। देन आप अप्लाई नाउ यहाँ पे करिए, तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो बेसिकली या तो आप एज अ फेसबुक से साइन इन कर सकते हैं या फिर आप अपनी यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करिए, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सेट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे ही आप अपनी आपने अपनी आईडी क्रिएट कर ली, आपने रजिस्टर कर लिया है, तो आपको ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। बहुत सिंपल है, इजी प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है, तो आपको यहाँ लग रहा होगा 5-6 स्टेप्स हैं, बट यस वेरी शॉर्ट प्रोसेस। तो आपको यहाँ चेकलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखो इनको भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आप बताइए कि इनकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्टेबल विद हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर होमवर्क, ऑब्वियसली तभी हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। आप यू हैव अ 3.0 GPA, ठीक है, और बेटर मतलब आपकी जो यू नो एजुकेशनल के जो मार्क्स वगैरह थे एज अप्रोक्सीमेटली कितना था, 3 से ऊपर था, तो यस ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और टॉप कॉलेजेस में आते हैं तो आप डालिए, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए इसको। एंड विलिंग टू कम्प्लीट अगेंस्ट द ट्यूटर फॉर असाइनमेंट, अगर यूज अ बिडिंग सिस्टम, ठीक है, बिडिंग सिस्टम इनका होगा तो कम्प्लीट तो करना ही पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, तो आप येस इस पे भी क्लिक करिए, ठीक है। देन यू हैव इस पे सेव एंड कंटिन्यू करिए,
ठीक है, ये मैंने अपना डाला है, आपका जो भी होगा आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एजुकेशन एंड लोकेशन, ठीक है, अब आप यहाँ पर डालिए आप यहाँ पे आर यू वर्किंग और स्टडिंग एट स्कूल, येस और नो, आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, आपका रेसिडेंस क्या है, वो सारी चीजें डाल के फिर देन अगेन सेवन कंटिन्यू, ये आपका लोकेशन हो गया। ठीक है, एजुकेशन एंड लोकेशन, ठीक है, इसके बाद आपको सेवन कंटिन्यू आपने किया, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा विच इज योर प्रोफाइल। नाउ प्रोफाइल में आपको सारी डिटेल्स को थोड़ा और मतलब एक्सप्लेन करके लिखना है, विच इज नेम वगैरह, कॉलेज किससे हैं, आपका मेजर एरिया ऑफ स्टडी क्या है, आपकी प्रोफाइल हेडलाइन, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ हेडलाइन शुड बी अ कैची हेडलाइन, जहाँ पे एटलीस्ट मतलब एक लंबा चौड़ा एक वो मत लिख देना ऐसे काइंड ऑफ, एक शॉर्ट वन लाइनर हेडलाइन लिखिए, ताकि उसी में आपको पता चल रहा है सामने वाले को आपको कितने एक्सपीरियंस, लाइक मैथ्स एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, या फिर साइंस टीचर फ्रॉम पास्ट इतने ईयर्स विद एक्सपीरियंस, इस तरीके से आपको कैची आपको सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए, बायो में आप अपनी चीजें लिखिए, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत यू नो आपको एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पढ़ाया हुआ है, या आपको कोई आपने प्रोजेक्ट किया है, कुछ असाइनमेंट्स किए, वॉट एवर जो भी रेलेवेंट है, आप यहाँ पे बायो में शॉर्ट मेंशन करिए, प्रोफाइल फोटो डालिए एंड देन अगेन कंटिन्यू। ठीक है, देन आपने वो अपना प्रोफाइल फिनिश कर दिया, नाउ यू नीड टू अपलोड योर एजुकेशनल, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंटेशन दैट आर डेमोन्स्ट्रेट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो आपको यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं। सो नाउ यू विल आस्क कि आपको अब यहीं से ही अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड सॉरी अपलोड करने हैं, तो थोड़ा सा लगता है ना कि सेफ नहीं है वो, तो आप इन वेबसाइट पे इनके बिल्कुल मेंशन है दैट इट इज सेफ एंड दिस इज प्रॉपर जेन्युइन वेबसाइट, तो वैसे भी आप यहाँ पे अपने जेरोक्स कॉपीज जो है अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, देन आपकी गवर्नमेंट आईडी है, तो इस पे लिखा है कि क्लियर फोटो गवर्नमेंट आईडी है, और अगर स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट और स्टूडेंट आईडी होती है ना आईडी कार्ड, वो भी कर सकते हो, तो दिस इज व्हाट अ प्लस पॉइंट व्हिच आई फाउंड हियर। देन आपका यहाँ पे होल्डिंग आईडी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ योर, अच्छा आपको अपना आई कार्ड ऐसे मतलब पकड़ के एक फोटो खींचनी है सो दैट योर फेस इज ऑल्सो विजिबल, और आपका एक आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है, उसकी एक आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, देन अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है कोई, तो आप यहाँ पे उसका वो डाल दीजिए, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बाकी ये जो रेड में है ये मैंडेट है, देन आप उसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये करने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देन आपका फाइनल, ये वाला स्टेप मैं स्किप कर रही हूँ, देन आपको फाइनल कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगा। अच्छा, नाउ द स्टेप हियर इज, जैसे ही आपका यहाँ पे सारी चीजें ये वाले स्टेप्स खत्म हो जाते हैं, तो आपको एक ईमेल आती है, आपकी ऑब्वियसली स्क्रीनिंग करेंगे, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे प्रोफाइल, इफ योर प्रोफाइल इज बीइंग शॉर्टलिस्टेड देन आप स्टार्ट एकदम से ही इनके वेबसाइट पे, आप यू कैन जस्ट गो एंड स्टार्ट यू नो अर्निंग या स्टार्ट डूइंग योर वर्क, स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई यू नो टेस्ट होगा या कुछ इस तरीके से होगा, बट जस्ट द स्क्रीनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ बेसिक डिटेल्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉजिटिव पॉइंट कि सबको यहाँ पे चांस मिल सकता है, यू जस्ट गो एंड स्टार्ट। एफएक्यूज पे एक बार लास्ट चलते हैं फटाफट क्विकली, तो एफएक्यूज में कितना टाइम लगेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि थोड़ा सा 15 मिनट्स तक तो ये फॉर्म फिल कर लेता आप यूजुअली, इसके बाद आपको थोड़ा सा ये लोग टाइम लेते हैं, तो क्योंकि काफी इनके वो भी आते रहते हैं बट येस दे विल कॉल यू अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। ठीक है, एंड येस इसके बाद वो मेक श्योर करते हैं कि आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, देन आपको एज अ सर्टिफाई होना है ट्यूटर या नहीं, तो यहाँ पे मेंशन है इनकी वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन नहीं है बट अगर होता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, सब्जेक्ट्स एरियाज, यस आप ये लोग प्रेफर करते हैं कि ये वाले सब्जेक्ट्स हों, काफी सारे ही है इनफैक्ट, सभी कवर कर लिया, बट येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके ह्यूमैनिटीज का भी इनका प्रॉपर सब्जेक्ट है विच इज यू कैन गो फॉर ह्यूमैनिटीज एज वेल, क्योंकि काफी लोग ह्यूमैनिटीज भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, कब तक मैं एप्लीकेशन मुझे वो मिल जाएगी, तो इसमें लिखा है कि थोड़ा कपल ऑफ वीक्स, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, 10-15 दिन जस्ट एन अप्रोक्सीमेटली आइडिया, क्योंकि इन्होंने लिखा भी है वीक मतलब कपल ऑफ टाइम अ वीक। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है, बाकी जगह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या बाकी आपको स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कैसे पढ़ाएंगे, क्या है आप यहाँ पे डैशबोर्ड वो देते हैं अपना होमवर्क वाला, उसके थ्रू आपको करना पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्रू अ डैशबोर्ड आप करेंगे बेसिकली। अच्छा, हाउ मच यू विल मेक इन दिस वेबसाइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूटर्स मेक डॉलर्स में
13,000 इन अ मंथ, टू बी ऑनेस्ट ये तो बहुत, जब आप एक्सपीरियंस छोड़ जाएंगे ठीक है, बट स्टिल स्टार्टिंग के लिए आप यहाँ पे यू नो 50 से 200 डॉलर्स के आसपास आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू 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 आर एक्टिव ऑन दिस, आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, क्या उस लेवल का क्वेश्चन था, उस सारी चीजों पर ऑब्वियसली ये थोड़ा डिपेंड करता है ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि आपको पेमेंट किस तरीके से मिलेगी। सो नाउ द पेमेंट विल बी थ्रू पेपाल एंड ACH, विच इज कि आपके जो जब भी आप वो रिक्वेस्ट करते हैं विद इन 3 to 5 working days के अंदर आपको आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज $20 मिनिमम होना चाहिए आपके वॉलेट में। देन इसके बाद आ जाते हैं आपको आईडी प्रूफ, जो कि मैंने बता दिया है इम्पोर्टेंट, बट यस अगर आपका गवर्नमेंट वो नहीं है तो आप स्टूडेंट आईडी भी प्रोसेस कर सकते हैं इफ यू आर अ स्टूडेंट ठीक है। ये तो चलो वीजा वाला आई डोंट थिंक सो इतने क्वेश्चंस होंगे ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन जस्ट यू नो ईमेल देम एंड जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस हियर, इनकी डिटेल्स हैं। सो आई होप गाइस सारी चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट होता है तो डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं ट्राई करूंगी जरूर आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर। तो फाइनली आप लोगों ने गाइज अप्लाई करना तो देख ही लिया है, आपने देख लिया कि यहाँ पे पेमेंट किस तरीके से मिलती है आपको, यहाँ पे पेपाल या ACH डिपॉजिट्स के थ्रू मिलती है ठीक है। आपको मेरे ख्याल से मंथ में यहाँ पे दो पेमेंट जो है 3 to 5 working days के अंदर मिलती है जब आपने अप्लाई किया है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम $20 जो है आपके विदड्रॉल अकाउंट में होने चाहिए, देन यू कैन विदड्रॉ दैट अमाउंट। एंड इसके अलावा मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगी, जो कि मैं हर वीडियोज में इस रिलेटेड बताती हूँ, दैट यू नीड टू बी केयरफुल दैट कभी भी किसी भी तरीके की आपको यहाँ पे नहीं, इनफैक्ट इन एनी काइंड ऑफ वेबसाइट या कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना है, आपको किसी भी तरीके की पेमेंट्स नहीं देनी है। दिस वेबसाइट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रजिस्टरिंग एज अ ट्यूटर, कोई रजिस्ट्रेशन एज सच फीस नहीं है यहाँ पे ठीक है। एंड देन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियली ये वेबसाइट ग्रो कर रहा है, यू कैन सी इट, एंड आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे। इनिशियली आपकी इनकम जो है पर मंथ में ख्याल से 10 to 15,000 अप्रॉक्सिमेटली इतना हो सकता है, बट येस स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है यू विल गेट मोर यू नो स्टूडेंट्स एंड उनकी क्वेरीज आएंगे एंड आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। तो ऑब्वियसली एक स्टूडेंट आपको एक बार अप्रोच कर चुका है तो वो बार बार करता है आगे चल के, सो आपको इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। इनिशियली आपके पास शायद हो सकता है कि कोई बिजनेस ना हो, बट यस आगे धीरे धीरे यू नीड टू बी वेरी यू नो प्रॉम्प्ट कि आप कितने यहाँ पे डाउट सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डाउट्स, क्या लेवल है उन डाउट्स का या क्वेश्चंस का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट्स जो है वो मिलती हैं। सो प्लीज मेहनत करिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, जितनी भी टाइप ऑफ वेबसाइट्स मैं लेके आती हूँ आपके लिए, आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के तो नहीं कर सकते हम लोग यू नो इनकम नहीं जनरेट कर सकते। आप ये सोचेंगे कि इनकम आ जाएगी मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगी, बट नो यू हैव टू बी वेरी यू नो मच्योर इनफ कि आपको पता है कि थोड़ा टाइम जरूर लगता है, फर्स्ट डे से इनकम नहीं आती है किसी भी चीज में ठीक है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम माय एंड वुड बी दैट किसी भी चीज में आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, एक इंटरव्यू या एक जॉब पे प्लीज डोंट रिलाय, आप मैक्सिमम इंटरव्यूज दीजिए, आप ट्राई करिए मैक्सिमम यू नो कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट कॉम्पिटिशन इज वेरी 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 हाई इन एवरी सेक्टर जहाँ पे आप मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जॉब दे रहे हैं तो वहाँ पे यू नो बहुत कॉम्पिटिशन होता है, बहुत मुश्किल मतलब क्योंकि कंपनीज के पास भी काफी सारी यू नो रिज्यूमेज प्रोफाइल्स आती रहती हैं, तो वो लोग भी यू नो थोड़ा टाइम लेते हैं रिवर्ट बैक करने में। सो आपको थोड़ा सा पेशेंट भी रहना पड़ेगा, बट यस एट द सेम टाइम यू नीड टू अप्लाई इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोफाइल्स में आपको यू नो ट्राई करते रहना है, माय सजेशन वुड बी दिस, क्योंकि हम भी कर चुके हैं आप अभी करिए। सो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो जॉब के लिए, पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड रहता है। Apart from this, any doubts, any queries you have, do let me know, मुझे कॉमेंट में बताइए, अगर मुझे पता होगा मैं जरूर बताऊंगी, नहीं पता होगा मैं ट्राई करूंगी उसको रिसर्च करके आपको बता पाऊँ ठीक है। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले इस तरीके की वेबसाइट बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है एंड आप यहाँ पे किसी भी टाइप के सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पे आपको यू नो कोई भी स्पेशल सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, येस प्रेफरेंस होती है दैट यू मस्ट बी ग्रेजुएट और यू नो पोस्ट ग्रेजुएट, बट येस ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इनका क्राइटेरिया नहीं है दैट यू कांट अप्लाई हियर ठीक है। सो डू अप्लाई, ट्राई करिए ठीक है। मैं आपके लिए इस तरीके से और वीडियोज लेके आती रहूंगी ठीक है। थैंक यू सो much for watching this video, I hope you liked it, comment section mein batana zarur, subscribe kar dena, till then guys bye, have a great day, take care.